हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग खजराना विजिट करेंगे। खजराना इंदौर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऑलमोस्ट वहाँ पे मुस्लिम आबादी रहते हैं। तो खजराना में क्या क्या है, वहाँ की क्या स्पेशलिटी है? खजराना की ओर हम लोग अंदर जा रहे हैं। अभी यही रास्ता है जो आपको खजराना के ओर लेके जाएगा। खजराना स्क्वायर से जस्ट आपको अंदर आना है। अंदर आपको के अंदर आओगे तो आप खजराना पहुंच जाओगे। उससे पहले आपको मिलेगा गणेश जी का मंदिर, जिसे खजराना गणेश मंदिर बोलते हैं। उसके जस्ट आगे आपको काली जी का मंदिर आएगी। तो खजराना गणेश मंदिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पर आते हैं। यहाँ से पैदल ही आप आ सकते हो खजराना स्क्वायर से, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर होगा। तो आपको जब भी कहीं इंदौर से खजराना गणेश मंदिर या खजराना एंटर करना हो तो आप खजराना स्क्वायर आ जाएं पहले। खजराना स्क्वायर आ गए मतलब कि आप खजराना पहुंच गए। तो मैं पूरा रास्ता आपको विजिट कराऊंगा इसमें वीडियो में, कहीं पे कट नहीं है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो कट करूँ, अपन 1-2 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हो, यहीं से आपको नज़ारा दिखने लगा है कि खजराना मंदिर के लिए ये सामान बिक रहे हैं यहाँ पे पूजा के लिए। ये इलाका बहुत पुराना है इंदौर का। जैसे चूनी इंदौर जाना जाता है पुराने इलाकों में, वैसे ही खजराना भी जाना जाता है। तो खजराना का जो इस पार्ट है मंदिर के पहले का हिस्सा, यहाँ पे कुछ हिंदुओं की बस्ती है और इसके बाद अपने को मुस्लिम एरिया स्टार्ट होता है। तो ये आप देख रहे हैं ये स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर है जहाँ से खजराना गणेश मंदिर के लिए आप जा सकते हो। ये वाला जो रास्ता इधर जाता है ये खजराना गणेश मंदिर की ओर जाता है। यहाँ पे आप मिठाइयाँ देख सकते हो, मिठाइयाँ लगी हुई है। ये जो है ये आप एंटर कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। तो अभी ये रास्ता खुला हुआ है गणेश मंदिर जाने के लिए, बट ये हमेशा बंद रहता है ये वाला रास्ता, और अपने को आगे से जाना पड़ता है। तो ये खजराना गणेश मंदिर के बाहर का नज़ारा है जहाँ से आप अंदर जाते हो। यहाँ पे आप फूल, नारियल, लड्डू ये सब ले सकते हो अंदर जाने के लिए। वैसे अंदर भी मिलता है बहुत सारे, बट बाहर भी खरीद सकते हो, ठीक है। गणेश स्वीट्स भी है यहाँ पे। ये है आपका मेन दरवाज़ा यहाँ का जहाँ से आप अंदर जाते हो। ये बाइक से भी जा सकते हो आप यहाँ से, और बाइक से जाओगे तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। बाकी हम लोग यहाँ से टर्न लेते हैं, अभी आपको खजराना विजिट कराता हूँ। खजराना से बाहर हम लोग जा रहे हैं, वही रास्ता है जिससे भी हम लोग आए थे। खजराना गणेश मंदिर का ब्लॉग किसी और दिन बना लेंगे, आज मैं आपको ये टेंपल दिखा देता हूँ। ये बाहर से ऐसा दिखता है चारों साइड से, मैं आपको इसके अंदर किसी और दिन लेके जाऊँगा। बाकी आज का यही है, ये गेट है, यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हो। यहाँ पुलिस चौकी भी है, पूजा सामग्री भी है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से अब इधर की ओर चलेंगे जहाँ पे खजराना जाने का रास्ता है। खजराना एंटर होते हो तो आपको सबसे पहले मिलता है जमजम स्क्वायर। जमजम स्क्वायर आ गए मतलब कि आप खजराना पहुँच गए। जमजम स्क्वायर एक्चुअली एक मिठाई वाले के नाम पे रखा गया है। जमजम मिठाई वाला भी है वहाँ पे, या हो सकता है मिठाई वाले अपना नाम जमजम स्क्वायर के नाम पे रखा हो। अब जस्ट आगे आएंगे तो आपको एक काली मंदिर मिलेगा, अच्छा बड़ा मंदिर है, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। ये है आपका काली मंदिर यहाँ पे। काफ़ी सारे बसेस लगी हुई हैं यहाँ पे, लोग आते हैं घूमने के लिए, खजराना घूम लेते हैं, काली मंदिर घूम लेते हैं। तो ये काली मंदिर है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से टर्न कर लो। ये काली मंदिर है जहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं, मतलब कि एक विश्रामालय के तौर पे भी इसको यूज कर रहे हैं, लोग आराम कर रहे हैं। बहुत अच्छे फेमस मंदिर है ये भी काली जी का। तो इनको भी बहुत बारीकी से अपन आगे देखेंगे दूसरे ब्लॉक्स में। अभी अपन आगे चलते हैं खजराना, आज अपना मोटो है खजराना को विजिट करना। खजराना में आप इंदौर में रहते हो तो आपको नॉनवेज खरीदना हो तो आप खजराना आए, यहाँ पे सस्ता मिलता है।
आपको बिरयानी खाना हो, हलीम खाना हो, तो नॉन वेज के जो भी मटेरियल्स हैं वो खाना हो तो आप खजराना है। ये देखो आपको जमजम स्वीट कॉर्नर, ये है अपना जमजम स्क्वायर। और मैं इस साइड आपको दिखाऊंगा पूरे खजराना का फेमस मटन शॉप। ये जो अंकल दिख रहे हैं ये खजराना का मटन शॉप है, ये वाला, यही वाला दुकान है, सबसे फेमस मटन शॉप है ये आपका बिरयानी वाला, निजाम होटल, निजाम जो है कि आपका फेमस बिरयानी होटल है, बिरयानी खा सकते हो। ये आपका खजराना बाज़ार है, अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है लेकिन शाम के टाइम इतना क्राउड होता है यहाँ पे कि आपको गाड़ी चलाने में मुश्किल है। हम अपन जा रहे हैं खजराना ईदगाह। अब हम लोग आगे की ओर इस रास्ते में बढ़ेंगे तो अपने को खजराना ईदगाह, खजराना दरगाह मिलेगा। ये भी फेमस जाकिर होटल है, हफीज होटल है। यहाँ पे आपको नॉन वेज के सारे मटेरियल मिलेंगे खाने को, मतलब कि मज़ा आ जाए ऐसा। ये देखो ये अभी अपना यहाँ का मॉर्निंग नज़ारा है। यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं पर्स के लिए, कपड़े के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेकिन अच्छे किफ़ायती रेट में मिल जाते, सस्ते मिल जाते हैं। आप ले आओ यहाँ पे, ये सामान खरीदो जाओ। वो जो रोटी मिलता है बड़ा बड़ा, ये देखो ये रोटी रुमाली रोटी बोलते हैं, और इसको यहाँ पे अलग एक और भी चीज़ें बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मांडा, इसको मांडा बोलते हैं। ये जो बड़ी बड़ी रोटियाँ बनती है ना इसको मांडा बोलते हैं। इसको चिकन बिरयानी या चिकन बिरयानी तो नहीं, चिकन के साथ इसको खाते हैं। ये नारियल इससे सारे दिख रहे आपको। ये है आपका दरगाह, खजराना दरगाह, बड़ी दरगाह है ना, ये इसका पूरा व्यू है। अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे मेला भी लगता है किसी साल में एक बार, तो अगर आपको मेला घूमना है तो उस महीने में जब मेला लगता है तो आप आएँ, काफ़ी अच्छा मेला होता है वो, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी रहती है घूमने को, खेलने को। ये खजराना के दरगाह के साइड, ये देखो अभी भी कुछ चीज़ें वहाँ पर हैं खेलने के लिए। तो ये खजराना का इलाका है। ये है मेन गेट इसका दरगाह का, तो हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। और ये खजराना का एक यहाँ पे है शाही लंगर खाना, उसके आगे ये है आपका मेला ग्राउंड, देख सकते हो। ये हमेशा लगभग रहता ही है, ये इतना छोटा सा, अपने बच्चे को खेलने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये का टिकट मिलता है, आप उछ लो कूदो, बच्चे का खुशी के लिए है। और आगे आपको दरगाह भी है, साइड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगा है तो आप यहाँ पर आएँ, वैक्सीन सेंटर भी है यहाँ पर, आपको जल्द ही वैक्सीन यहाँ पर लगा दिया जाता है बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती यहीं पे। आप ये व्यू है जो सामने जो है वो दरगाह है हज़रत नाहर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का, तो आप आएँ यहाँ फातिहा पढ़ें। और तो सामने जो आप देख रहे हैं सामने वो जो है वो हज़रत नाहर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह शरीफ है, मज़ार शरीफ है, तो आप आएँ यहाँ विज़िट करें, फातिहा पढ़ें। और तुम अक्सर यहीं पर आते हो? तो नहीं, मैं आता हूँ कभी कभी। आप आएँ यहाँ विज़िट करें, नमाज़ पढ़ें। और ये व्यू है पूरा दरगाह का, जो कि काफ़ी काफ़ी इसमें फैला हुआ है, रकबा इसका काफ़ी है, राउंड अप ये काफ़ी इधर फैला हुआ है, ये सारा पूरा दरगाह में ही आता है। तो साल में एक मरतबा जब हज़रत नाहर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का जब बरसी होता है तो यहाँ एक मेला लगता है। तो मेला में जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अभी बच्चों के लिए है फिलहाल, और जब मेला लगता है तो ओवरऑल पूरा ग्राउंड भरा रहता है, पूरा क्राउड होता है, क्या बोलते हैं कि पूरे में झूला,
एंड ऑल मार्केट्स सब लगते हैं यहाँ पे। ये पूरे ग्राउंड जो पीछे खाली है इसमें, बाकी का ये रोज़मर्रा का दुकान है एवरीडे। और इधर आगे ये जो देख रहे हैं आप, ये भी मज़ार है। तो यहाँ ये सब सारा ये पार्किंग है। और वो सामने देख रहे हैं वो मज़ार से, मैं एक बार आपको चारों तरफ से विज़िट कराता हूँ। ग्राउंड के चारों तरफ ऐसा कुछ नज़ारा दिखेगा।